भगवान शिव का ये खास महीना खत्म होने में सिर्फ कुछ ही दिन बचे हैं। अगर आपको अभी तक भगवान शिव की पूजा करने का मौका नहीं मिल पाया है तो बाकी बचे दिन में रुद्राभिषेक करने के साथ साथ ये खास उपाय जरूर कर लें। अगर इन बाकी बचे दिनों में ये उपाय नहीं कर पाए तो आपको फिर पूरे एक साल का इंतजार करना होगा। भगवान शिव को सावन का महीना समर्पित होता है। सभी शिव भक्त इस सावन के महीने में भगवान शिव की पूजा करके उनकी कृपा प्राप्त करते हैं। सावन के बाकी बचे दिन जो शेष हैं, इन दिनों में आप इन उपायों को करके भगवान शिव को प्रसन्न कर सकते हैं। इससे आपका साल अच्छा बीतेगा और जीवन में जो दुख शेष है उससे निजात पाने में ये उपाय आपकी मदद करेगा। सभी शिव भक्त को सोमवार के दिन भगवान शिव का जलाभिषेक जरूर करना चाहिए। रक्षा बंधन के साथ ही सावन खत्म हो जाएगा और ये सावन का अंतिम सोमवार भी है। सावन के आखिरी सोमवार को 108 बार महामृत्युंजय मंत्र का जाप करें और मंत्र जाप करते समय मन को एकाग्र रखें। इससे मन को शांति मिलती है और जीवन सुखदायी हो जाता है। सावन के आखिरी सोमवार के दिन शिवजी को प्रसन्न करने के लिए शिव तांडव स्तोत्र का पाठ करना चाहिए ताकि जीवन में आने वाली सभी बाधाएं दूर हो सके। सावन के सोमवार के दिन अपने निकटतम शिव मंदिर में जाकर शिवजी के दर्शन करें। इसके अलावा जरूरतमंदों को भोजन, कपड़े या धन दान करें। इन उपायों को करने से आपको शिव जी का आशीर्वाद प्राप्त हो सकता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार इसी खास महीने में माता पार्वती ने अपने पति के रूप में भगवान शिव को पाने के लिए कठोर तपस्या की थी। इस तपस्या के फल स्वरूप ही माता पार्वती को शिव के दर्शन हुए थे। ऐसा कहा जाता है कि इसी कारण भगवान शिव को सावन का महीना बेहद ही प्रिय है। इसीलिए सभी भक्तों को सावन के आखिरी सोमवार के दिन शिवलिंग की पूजा अर्चना जरूर करनी चाहिए।